जनता आज अकेली रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि गरीबों का मैं भैया था, तो उन लोगों मैंने के कहा लिए ना आप आपको कि क्या कहेंगे? क्योंकि आज आम जनता जो आंखें नम है, आपकी आंखें भी नम है, आम जनता की भी देखिए, आंखें मैं नम वही है कह रहा हूँ आज। कि धर्मेंद्र सिंघाना जी के बारे में आप जितना भी कहें कम है, क्योंकि मैंने कहा ना कि आज लफ्जों की कमी है, कि क्या कह सकते हैं, मतलब कि उन लोगों को, मतलब कि आम गरीब को भी कमी है, एक दोस्त को भी कमी है, चाहे मतलब किसी भी सेक्टर में आप लगा लें, हर जगह पे धर्मेंद्र सिंघाना की एक कमी है। और वो एक भाई भी था, एक शॉकिंग है दोस्त भी बस। था, एक गाइड भी थे, मतलब कि रविंद्र सिन्हा हर हर बच्चों के साथ बच्चे थे, बुजुर्गों के साथ बुजुर्ग थे, माँ के साथ माँ बन जाते, उसका मतलब कि मैं आपको कहूंगा कि हमें इतना दुख है तो वो माँ जो अंदर बैठी है, जिसके पाँव छू के सुबह निकलते थे, क्योंकि मुझे भी मिलाते थे तो कहते होते थे माता जी ये मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, तो इसलिए आज माँ कितनी दुखी, अगर हम इतने दुखी तो माँ कितनी दुखी हो, इसलिए दुख तो है, बाकी है कि अब क्या कह सकते हैं, यार चला गया, दोस्त चला गया, भाई चला गया। डोगरा आइडेंटिटी के लिए सर उन्होंने जो है वो स्ट्रगल की, और उनके जाने के नहीं, बाद ये क्या डोगरा चला आइडेंटिटी आप है उनको, जब आप डोगरा डोगरा आइडेंटिटी के बीच में मत बांधें, वो एक बहुत बड़ा लीडर था, वो किसी एक आइडेंटिटी में, वो एक इंसान था जिसके अंदर हर कौम थी, हर जात थी, हर बरादरी थी, हर मजहब था, इसलिए हम जब उनको एक जगह बांधेंगे तो उसके कद को छोटा करेंगे। देवेंद्र सिन्हा इन चीजों से बहुत ऊपर थे, वो सबको साथ लेके चलते थे, चाहे वो कश्मीर था, चाहे वो जम्मू था, चाहे वो डोगरा था, चाहे वो कश्मीरी था, चाहे वो गुज्जर था, चाहे वो बकरवाल था, चाहे वो पहाड़ी था, जिसको भी आप कहेंगे वो हर चीज, मतलब अपने आप में वो हर चीज बन जाते थे। तो इसलिए हम देवेंद्र सिंह राणा को एक कौम के साथ या एक धर्म के साथ जोड़ते नहीं दे सकते। देवेंद्र सिंह राणा एक इंसान थे, एक सैकड़ों लीडर थे, जिन्होंने एक छोटे से अर्थ, अभी क्या उम्र थी उनकी, खास उम्र भी ज्यादा नहीं, तो लिहाजा आज चले गए हैं, तो बस अफसोस है, बस इस अफसोस से ज्यादा हम क्या कह सकते हैं। शुक्रिया। सीएम सुरेंद्र चौधरी थे, तो हमने उनसे बात करने की कोशिश की और आपने सुना कि उन्होंने क्या कहा कि एक अच्छे नेता थे, और साथ ही साथ मेरा यार मेरा दोस्त था जो आज इस दुनिया में नहीं रहा है। बात करें अलग अलग पार्टी की भी बात करें तो अलग अलग पार्टी के नेताओं की बात करें, आज वो यहाँ पे है, उनका आखिरी जो है एक झलक देखने के लिए, आखिरी जो है सलामी देने की, श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे जो पहुंचे। और बात करें हजारों की तादाद में यहाँ लोग पहुंचे, और आप देख सकते हैं लोगों के लोकप्रिय जो रविंद्र रैना जी थे, अक्सर हमने आपको सुबह से जो है यहाँ पे आपको तस्वीरें भी बता रहे हैं, हर एक शख्स यही कह रहा है कि हमारा जो है गरीबों का मसैया जो था आज इस दुनिया में नहीं रहा है। 24 घंटे घर के दरवाजे भी जो थे खुले रहते थे, और अब हमें जो अपनी दुख तकलीफें हैं जो कि घर में जाएंगे लेकर, जहां हमारा देवेंद्र रैना जो है नहीं रहेगा। फिलहाल आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं हजारों की तादाद में यहाँ लोग पहुंचे उनकी एक झलक देखने के लिए, तो आप ओम शांति ओम जरूर लिखेगा, साथ ही साथ उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ जरूर कीजिए।